किसान भाइयों, भूमि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जो कि प्रकृति की ओर से सारे संसार के लिए बहुत बड़ी और अमूल्य देन है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ खेतीबाड़ी में हरित क्रांति के साथ जहां हमने अनाज के भंडार पैदा किए, उसके साथ ही हमने इस प्राकृतिक देन की देखभाल को नजरअंदाज किया, जिसके गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं, जैसे कि फसलों की कम हो रही पैदावार, फसलों की ज्यादा उपज लेने के लिए बढ़ रहे खर्चे, उपज की कम हो रही क्वालिटी, मंडी में उपज की अच्छी कीमत ना मिलना, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना, फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी आ जाना, वातावरण का दूषित होना, भूमि, मनुष्य और जानवरों में बीमारियों का बढ़ना, कीटों और बीमारियों का फसलों पर बढ़ता हुआ हमला। किसान भाइयों, भूमि की देखभाल के लिए जीपी बायोफर्ट की तरफ से भूमि बचाओ मिशन तैयार किया गया है। इस मिशन को शुरू करने वाले साथियों ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल खेतीबाड़ी के अनुभव से यह सीखा कि भूमि की देखभाल किए बिना हम फसलों की क्वालिटी को और बढ़िया नहीं कर सकते और पैदावार नहीं बढ़ा सकते। किसान भाइयों के अंदर इस बढ़ रही समस्या के प्रति जागृति पैदा करने के लिए जीपी बायोफर्ट ने एक कार्य शुरू किया है। हम आप सभी का इस मिशन में आने के लिए स्वागत करते हैं। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, पौधे की सेहत और पैदावार को बढ़ाना, उपज की क्वालिटी को बढ़ाना, जिससे कि किसान भाइयों को मंडी में अच्छी कीमत मिल सके, उपज को खनिज तत्वों से भरपूर करना जिससे खाने वाले को पोषक तत्वों से भरपूर खाना मिले। 2002 में स्थापित जीपी बायोफर्ट के द्वारा आधुनिक तकनीक पर आधारित जैविक खाद डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी आदि के लिए बहुत सारे उत्पाद तैयार किए गए हैं। खेतीबाड़ी के लिए पॉली पावर, पॉली ग्रो, पॉली ब्लूम, पॉली सेल, पॉली शाइन, पॉली स्टार्ट, पॉली नीम, पॉली फाइटर, पॉली स्टिक, इस तरह के बहुत सारे उत्पाद हैं। और डेयरी के लिए पॉली विट, पोल्ट्री के लिए पोल्ट्री न्यूट्रा, मछली फार्म के लिए पॉली IC2, पॉली F20 तैयार किए गए हैं। नमस्कार, जीपी बायोफर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीपी बायोफर्ट के साथ उन्नत खेती की ओर बढ़ते हुए कदम। बीज उपचार के लिए जीपी बायोफर्ट की तरफ से नए विज्ञान पर आधारित एक जैविक उत्पाद तैयार किया है, जिसका नाम है पॉली स्टार्ट। इसमें छोटे और बड़े तत्व, अमीनो एसिड्स, फाइटो हार्मोन्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, PGR और बोटानिकल तेल, जो कि बीज को बीमारियों और कीड़ों से बचाता है और साथ में ही बीज के अंकुरित होने में सहायक है, जड़ और पौधे के विकास के लिए खुराकी तत्व देता है, जिससे बढ़िया पौधे तैयार होते हैं जो आगे चलकर ज्यादा पैदावार देते हैं। पॉली स्टार्ट को हर प्रकार की फसल के बीज को लगाया जा सकता है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। बीज जल्दी और एक साथ पैदा होता है। जड़ के अच्छे विकास होने के लिए पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। बीज का बीमारियों और कीड़ों से बचाव करता है। मिट्टी के मित्र जीवाणुओं की प्रक्रिया में बढ़ोतरी करता है। पौधे को ताकतवर बनाता है, जिससे पैदावार भी अच्छी मिलती है। चलिए आपको बताते हैं पॉली स्टार्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। आप 10 से 20 मिलीलीटर को 1 किलो बीज के साथ लगाएं और जरूरत पड़ने पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीपी बायोफूड का अगला उत्पाद है पॉली पावर। पॉली पावर उत्पाद जीपी बायोफूड की वो टेक्नोलॉजी है जो मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक विज्ञान से विकसित किया गया है, जिसमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, अमीनो एसिड, सूक्ष्म तत्व और बड़े तत्व, पौधों का रस, विटामिन, प्राकृतिक हार्मोन्स एवं लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये भूमि पर किस प्रकार असर करता है। पॉली पावर इस्तेमाल करने के साथ भूमि के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में सुधार होता है, जैसे कि पीएच वैल्यू, CN उत्पाद और इनमें बढ़ोतरी होती है। आवश्यक तत्व जैसे कि फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैंगनीज पौधे को उपलब्ध करवाता है। नाइट्रोजन को पौधे के लिए ज्यादा समय तक पौधे को उपलब्ध करवाने के लिए सहायक है। भूमि के जीवित संसार जैसे कि सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गे और बड़े जीव जैसे कि केंचुए आदि के विकास में बढ़ोतरी करता है। पॉली पावर को इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, अब ये सुनिए। बीज पैदा होने के बाद पौधे को खुराकी तत्व देता है, जड़ के विकास में बढ़ोतरी करता है, बीज के अंकुरित और शाखाओं आदि में बढ़ोतरी करता है, पैदावार में वृद्धि करता है, CN अनुपात में सुधार करता है, सूक्ष्म जीवों में बढ़ोतरी करता है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, पौधे की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है,
जैसे कि ज्यादा सर्दी और गर्मी से बचाव करना। आइए अब आपको बताते हैं पॉली पावर की उपयोग विधि। प्रति एकड़ गेहूं, चावल, सब्जियां, दालें, सरसों, मक्की और चारे वाली फसलों के लिए 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ मिट्टी, गोबर, स्लरी या खाद में मिलाकर छिड़काव करें। आप इसमें कोई भी पुरानी विधि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के स्प्रे के लिए 2 से 3 मिलीलीटर ही डालना है।